भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन में सबसे पहले मेरी कामना थी इन चुनावों में देश को मजबूत स्थिर निर्णायक और डिसिसिव सरकार होती। हरिवंश जी उस कलम के धनी हैं जिसने अपनी एक विशेष पहचान बनाई। संविधान को मजबूत करने का काम एक निजी व्यक्ति के रूप में जितना इस दौर में मैंने देखा है शायद ही हुआ। दुनिया में राजनीति की धारा में गांधी ने एक नई धारा दी। अगर इस देश की राजनीति गांधी के रास्ते चली होती, नाम सभी गांधी का। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। अब सदन का मंत्र बन जाएगा हरी कृपा, अब सब कुछ हरी भरोसे। नमस्कार, विस्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ गेस्ट इन न्यूज़ रूम में हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, राज्यसभा के उपसभापति सांसद हरिवंशी। हरिवंशी आपका विस्तार न्यूज़ में स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद आपका भी ब्रजेश जी और यहाँ सभी काम करने वाले साथ के अपने युवा सहयोगियों का और आपके विस्तार न्यूज़ के दर्शकों का। सर हम लोगों को बेहद खुशी है कि आप यहाँ आए और हमने जब आपके बारे हम सब जानते हैं कितना मुश्किल काम होता है राज्यसभा में इतने सारे बड़े नेताओं को हैंडल करना, शांत रखना। राज्यसभा में जो लोग भी चुनकर आते हैं वो बड़े समझदार वयस्क और जैसा आपको मालूम है कि संविधान सभा में जो अपेक्षा की गई थी कि राज्यसभा में वो लोग आएंगे जो बड़े अपने चीज़ों के विशेषज्ञ और जानकार लोग होंगे, वैसे लोग आते हैं तो सब अपनी बात रखना चाहते हैं, तो कोई ऐसा नहीं है। मगर हम लोगों को लगता है कि उतने बड़े बड़े नेताओं को कंट्रोल करना, शांत रखना, हर आदमी अपनी बात बोलना चाहता है और तो कितना संसदीय मर्यादा के तहत हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। संसदीय मर्यादा संसदीय शब्दों के इस्तेमाल के लिए भी और उस इन सब चीज़ों के ऊपर राज्यसभा या लोकसभा को चलाने के रूल्स ऑफ प्रोसीजर बना हुआ है ऑलरेडी। ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर कोई चेयर नहीं बनाता, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर सारे दल के लोग मिलकर के बनाते हैं। संसद उसको अप्रूव करती है, यानी लोकसभा लोकसभा के लिए अप्रूव करती है, राज्यसभा राज्यसभा के लिए अप्रूव करती है। तो ये सारे नियम कानून हमारे माननीय सदस्य तैयार करते हैं, चेयर तैयार नहीं करता। चेयर का दायित्व तो सिर्फ ये होता है कि उन नियमों के तहत पूरी बहस को फैसिलिटेट करना, उसके तहत जो स्थापित नियम है पहले से, जैसे जो पार्टी जिसकी संख्या जितनी है उसी अनुपात में उसका समय का आवंटन होता है, ये पहले से तय है। तो अब पार्टियों में मान लीजिए किसी पार्टी को एक ही किसी के पास मेंबर है तो उसको स्वाभाविक रूप से तय नियम के तहत कम समय मिलेगा, और जो स्थापित पार्टियां हैं बड़ी पार्टियां हैं उनको ज़्यादा समय मिलता है, तो वो भी डिवाइड करती हैं अपनी, वो सारी चीज़ें पार्टियां तय करती हैं वस्तुतः, और चेयर उसको फैसिलिटेट करता है। दिक्कत कहीं होती है जब मेंबर अगर उसको बोलना है मान लीजिए पार्टी के तय समय अनुसार 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट जो तय समय है उसको जब वो आगे ले जाता है तो बाकी सारा बिजनेस हाउस का प्रभावित होता है। इसलिए चेयर हमेशा कोशिश करता रहता है कि समय के तहत अच्छी तरह अपनी बात आप खत्म करें। समय के तहत बात खत्म करने के लिए भी किसी भी माननीय सांसद को उसको होमवर्क करके काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। जैसे आप कोई रिपोर्टिंग करते हैं, किसी से सवाल पूछते हैं तो आप प्रॉपर होमवर्क करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं। वैसे ही सदन में, संसद में, विधायिका में जब भी कोई बहस होती है, किसी विषय पर चर्चा होती है, तो उस पर माननीय सांसद माननीय विधायक तैयार होकर के आते हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि आपकी तैयारी इतनी स्पष्ट और बेहतर हो कि अपनी समय सीमा में बेहतर तरीके से बात कह सके। यही रूल्स भी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति उस सीमा का अतिक्रमण करता है या नियम और कानून को नहीं मानता या जो संसदीय शब्द हैं उनका इस्तेमाल नहीं करता, अमर्यादित आचरण कभी कभी अगर सामने आता है तब चेयर को हस्तक्षेप करने का अधिकार ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर देता है। ये हाउस के लोगों ने जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर तय किया है उसके तहत वह कोशिश करता है कि सभी लोग अनुशासित होकर के अपनी बात। सर आपका दूसरा कार्यकाल है राज्यसभा के उपसभापति के तौर पर, आपने तैयारी की बात की, सांसद तैयारी करके आना चाहिए, तो ऐसे कौन सांसद हैं आपकी नज़र में जो बहुत बड़ी अच्छी तैयारी करके आते हैं? नहीं, मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हर एक दल में ऐसे सांसद हैं। आप अगर डिबेट फॉलो करते हों तो चाहे वो राज्यसभा हो लोकसभा हो, जब बहुत बेहतर तरीके से किसी विषय पर बहस होती है और माननीय सांसद किसी खास मामले को लेकर के अगर उनमें कोई खास अपनी सीमा या कोई बात कहने की बेचैनी नहीं है किसी मुद्दे पर, तो आप बहस अगर देखें
तो बहुत बेहतर तरीके से होती है। सारे सांसद अपना अपनी तैयारी करके आते हैं और गंभीर मुद्दों पर जब बहस बहुत सुनियोजित ढंग से चल रही होती है तो बड़ी अच्छी हिस्सेदारी होती है। आप खुद तय कर सकते हैं कि अनेक सांसद हैं दोनों सदनों में, सभी पार्टियों में हैं, जो बहुत बेहतर तरीके से अपनी बात करते हैं। पिछले दौर में दिनों में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे सांसदों का निष्कासन भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। सांसदों को आप लोग बाहर कर देते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, ये क्या प्रवृत्ति है? नहीं, हम लोग बाहर नहीं करते, नियम तय हैं किसी भी चीज़ के। मैंने आपको स्पष्ट बताया कि अगर सदन ने मिलकर तय किया कि इस विषय पर परामर्श होना है, इस विषय पर बातचीत होनी है, और आप कहें कि नहीं हम एक दो मेंबर खड़े होकर कहेंगे नहीं हम इसी पर चाहते हैं, तो जो स्थापित नियम है, जो पहले से रूल्स और प्रोसीजर के द्वारा तय है, चेयर उसी का पालन करेगा। और ये चीज़ें पहले भी होती रही। अच्छा, ये आप याद करें अगर तो पहली बार 50s-60s में किस तरह से मेंबर बाहर निकाले गए जब जाकिर हुसैन साहब होते थे। तो जो अनुशासन नहीं मानेगा तो चेयर उसको अधिकार देता है, चेयर को ये अधिकार दिया है सदन ने रूल्स और प्रोसीजर के तहत कि वो कार्रवाई करे, कार्रवाई नहीं करेगा तो फिर तो सदन नहीं चाहिए। यानी कि अनुशासन सर्वोपरि है। अनुशासन गांधी जी कहा करते थे, गांधी जी की बहुत प्रचलित परिभाषा है कि अनुशासन को न मानना हिंसा है। क्या बात है सर, हमने आपके लिए कुछ आपके तमाम फोटो इकट्ठे किए हैं। बहुत आभारी हूँ आपका कि बहुत अलग अलग ढंग से आपने हमारी तस्वीरें एकत्र की, आपने इतना परिश्रम किया। विस्तार न्यूज़ इतना अच्छा कर रहा है जानकर मुझे व्यक्तिगत प्रसन्नता हुई। भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन में सबसे पहले मेरी कामना थी कि इन चुनावों में देश को मजबूत, स्थिर, निर्णायक और डिसिसिव सरकार होती। हरिवंश जी उस कलम के धनी हैं जिसने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। संविधान को मजबूत करने का काम एक निजी व्यक्ति के रूप में जितना इस दौर में मैंने देखा है शायद ही हुआ। दुनिया में राजनीति की धारा में गांधी ने एक नई धारा दी। अगर इस देश की राजनीति गांधी के रास्ते चली होती, नाम सभी गांधी का लेते। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। अब सदन का मंत्र बन जाएगा हरी कृपा, अब सब कुछ हरी भरोसे। सर सब कुछ हरी भरोसे, प्रधानमंत्री जी ने आपको कहा कि सब कुछ हरी हरी भरोसे। और ये देखिए उस दिन भी आप यही कुर्ता पहने हुए थे जो आज पहने हैं। संयोग मात्र है। सर क्या कहेंगे, मैंने किस जिंदगी में आप सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे रहे? बहुत सारी चीज़ों से, हमारे देश के जो नायक महानायक साहित्यकार, श्रेष्ठ पुस्तकें, श्रेष्ठ प्राकृतिक दृश्य, बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक लोगों से मिला जिनकी जीवन की ऊँचाई देख करके जीवन में बड़ा गहरा असर पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने समय समय पर अलग अलग ढंग से मिलने पर प्रभावित किया। यानी गांधी जी की आप बात हर वक्त करते हैं, गांधी जी, विनोबा जी, और फिर आप चंद्रशेखर जी से भी जुड़े रहे। चंद्रशेखर गांधी के सबसे बड़े अनुयायियों में थे जी, समाजवादी विचारधारा के थे, पर गांधी उनके आदर्श थे। उनके बेडरूम में तस्वीरें लगी होती थी गांधी की, आचार्य नरेंद्र देव की। तो ये देश के आइकन है। आप इन लोगों की विलक्षणता को आप किसी की सीमा में न घेरें। अभी मैं दो दिन पहले आ रहा हूँ आपको वर्धा से, विनोबा जी के आश्रम से। कम लोग जानते हैं कि इस देश में आज भी वहाँ पर गौतम बजाज जैसे व्यक्ति हैं जो बजाज परिवार के हैं, और विनोबा जी के पूरे साहित्य को 12-13 खंडों को उन्होंने संपादित किया। किस तरह का आइडियल लाइफ वो जीते हैं जाकर के आज के नौजवानों को देखना चाहिए। सर मगर आप शुरुआत आपकी करियर की पत्रकारिता से हुई है, आप पत्रकार रहे हैं, पत्रकार के बाद फिर आप पॉलिटिक्स में आए, सर कैसे संतुलन साध पाइए? मैंने लगभग 4 दशकों तक पत्रकारिता की, और पत्रकारिता में आने के पहले जयप्रकाश आंदोलन से हम लोग जुड़े हुए थे जी। अंततः हम सबकी कोशिश थी कि समाज बदले। उस वक्त लगा मुझे कि मैं फुल टाइम पॉलिटिक्स में नहीं जा सकता, इसलिए मैं पत्रकारिता में आया। पत्रकारिता में जाकर अपनी बात कह सकता हूँ, अपने को व्यक्त कर सकता हूँ, इसलिए वो माध्यम चुना। 4 दशकों के अनुभव के बाद लगा कि पत्रकारिता के बाद अब हमें राजनीति को भी देखनी चाहिए, क्योंकि अंततः राजनीति देश और समाज को बदलती है। तो राजनीति में पहली बार मुझे आने का मौका मिला जब चंद्रशेखर जी की सरकार बनी, तो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन एडवाइजर ज्वाइंट सेक्रेटरी था पीएमओ में। उसके बाद पुनः पत्रकारिता में लौटा मैं। उसके बाद लगातार 27-30 वर्षों तक मैंने पत्रकारिता फिर की, यानी कुल मिलाकर 40 वर्षों के लगभग पत्रकारिता मैंने की। उसके बाद पुनः राजनीति में आने का अवसर मिला, तो मुझे लगा कि देखें कि राजनीति के माध्यम से कैसे समाज में क्या हस्तक्षेप होता है, बहुत अनुभव हुए राजनीति में आने के बाद। सर पत्रकारिता में आपने एक, आपके नाम पर कहा जाता है कि जो प्रभात खबर है, एक ऐसा अखबार जो एकदम तकरीबन बहुत जिसको कोई जानता नहीं था, मगर आपने प्रभात खबर को अपने संपादक के काल में एक ऊँचाई पहुँचाई, तो क्या आपने ऐसे गुरुमंत्र फूंक दिया उसमें?
नहीं, ये देखिए, हमेशा एक तो ब्रजेश जी टीम काम करती है, व्यक्ति काम नहीं करता। नंबर दो, जब हम उस अखबार में काम करने के लिए 89 में गए तो इतने स्थापित और मजबूत अखबार थे, वो वहाँ लगभग सबसे कमजोर और बंद प्राय अखबार था। हम लोगों ने उन जन मुद्दों को चुना जो हमें लगा कि बाकी लोग नहीं करते हैं, उन मुद्दों ने ताकत दी कि अखबार महत्वपूर्ण बन गया। तो मुद्दों की ताकत थी, मुद्दों के पहचानने की क्षमता हमारी टीम में रही, इसलिए हम खड़ा हो पाए। सर, हमारे नई पीढ़ी के पत्रकार हैं, सूरज नाम है इनका, और कुछ आपसे। बहुत धन्यवाद सूरज, बहुत शुभकामनाएं तुम्हारे भविष्य के लिए। बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, आप पत्रकारिता में रहे, लंबे समय तक रहे, राजनीति में फिर आए। पहले आप जनता की आवाज़ बनते थे, नेताओं से सवाल पूछते थे, अब राजनीति में आ गए। कितना अंतर देखते हैं, और सबसे ज़्यादा अनुभव और सबसे ज़्यादा अच्छा आपको कहाँ लगा, पत्रकारिता में या फिर राजनीति में? मुझे दोनों पक्षों में लगा। पत्रकारिता में जो सवाल मैं बहुत उठाता था, राजनीति में आकर जब गहराई में आप जाने तो सिस्टम काम कैसे करता है। हम बहुत सारे लोग बाहर से बैठकर टिप्पणी करते हैं कि रातों रात व्यवस्था बदल जाए, पर हम व्यवस्था के अंदरूनी गहराइयों को नहीं जानते। वो बदलना, उसके लिए कितना आपको काम, कैसे श्रम करना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए, जब मैं आया इधर तो लगा कि सृजन का काम बहुत आसान नहीं है, हम ओवरनाइट चाहते हैं कि चीज़ें बदल जाएँ। आप कभी कल्पना करते हैं, भारत की आबादी आज दुनिया की सबसे अधिक आबादी है। हमारा क्षेत्रफल, मतलब 17% दुनिया की आबादी यहाँ रहती है, क्षेत्रफल 2.90 के आसपास है, सब मैं ये स्मृति के आधार पर आपको कह रहा हूँ, और 7वें नंबर के हम एरिया में, ज्योग्राफिकल एरिया में देश हैं। तो हमारी कितनी बड़ी चुनौतियाँ हैं। हमारी इकॉनमी आज क्या है, 60 वर्ष बाद हम 1 ट्रिलियन की इकॉनमी बने, 65 वर्ष में 2 ट्रिलियन की इकॉनमी बने। कोविड के बावजूद आज आपकी इकॉनमी $3.8 trillion की है। जो देश, चीन हो या US हो, जो दुनिया में आज एक ताकत है, तो चीन की इकॉनमी लगभग 15-16 trillion के आसपास है, मैं सब स्मृति के आधार पर कह रहा हूँ। अमेरिका लगभग 25-26 के आसपास। तो विकसित देश बनने के लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। बगल का चीन जब रास्ता बदल करके विकसित बन रहा था, 77 तक आप चीन के बराबर थे, 60 में आपकी GDP चीन से अधिक थी। तब हमारे यहाँ नीति बनाने वालों को, पत्रकारिता में रहने वालों को, राजेंद्र माथुर ने लिखा था, जिस दिन चीन ने 77 में अपनी नीतियाँ बदली कि भारत कैसे बदले नीति, पर पत्रकारिता में पत्रकारिता धर्म का निर्वाह हुआ होता तो ये पब्लिक ओपिनियन बनता, आज हम चीन के बराबर होते। चीन ने 49 में तय किया, 1949 में, कि 2049 में कहाँ पहुँचना है। हमारे देश में 14 के बाद जब ये 75 वर्ष समय पूरे हुए तब हम तय करें कि 47 में हमें कहाँ पहुँचना है। तो टारगेट, वो लक्ष्य के मुल्क को कहाँ ले जाना है, जैसे एक व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य होता है, राष्ट्र के जीवन में होना चाहिए। तो आपको मैं जो फिगर्स बता रहा हूँ, अंततः आर्थिक विकास ही सारी समस्याओं का निदान है, वो हम कैसे ले जाएं, ये हम सबकी सामूहिक कोशिश से ही संभव। सर, हमारे ऑफिस में एक सूरज और हैं, भारत सूरज है। अच्छा, ये आपको जानना। थैंक यू सर। मेरा नाम भारत सूरज है, मैं बिहार के अररिया जिले से हूँ सर। वाह, आप भी बिहार से ही चुनकर राज्यसभा पहुँचे हैं। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा, पूरा बिहार आपको बहुत प्यार करता है, बहुत पसंद करता है, आपका जो व्यवहार है, जो स्वभाव है राज्यसभा के भीतर। सवाल मेरा सर ये है, बहुत आभारी हूँ, और तुम्हारा नाम भारत और सूरज दोनों है, इससे और भी अच्छा मुझे लगा, दोनों का संयोग है। सब बताओ इंडिया। सर, बिहार को लेके ही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम जो लोकसभा के सांसद होते हैं उनको तो हम बहुत मुखर तौर पर सुनते हैं। आप चूंकि आसन पर भी हैं तो टिप्पणियाँ आप कम करते हैं, सदन को चलाना होता है, पर बिहार से चुनकर जाने वाले राज्यसभा सांसद हरिवंश नारायण जी बिहार की यात्रा को कैसे देख रहे हैं, और आने वाले समय में भी जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी दृष्टिकोण पर बिहार को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आगे भविष्य कैसे देख पा रहे हैं बिहार? देखिए, दो चीज़ें बहुत स्पष्ट ढंग से याद रखें कि 2005 के पहले बिहार की कुछ खास स्थितियाँ थीं। आप जानते थे कि पूरे देश में बिहार को किस रूप में देखा जाता था, विकास के पैमाने पर देश के जो जितने राज्य हैं उनकी सूची में सबसे नीचे बिहार होता था। 2005 के बाद जो सरकार वहां पर आई नीतीश जी के नेतृत्व, उसने बहुत चीज़ों को बदला। मतलब ये नई पीढ़ी नहीं जानती, जब शाम में उतर कर आप वहां घूम नहीं सकते थे, इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गए थे। तो किस तरह से बिहार को पटरी पर लाए हैं नीतीश कुमार इन वर्षों में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, बाकी डेवलपमेंट के मामले पर। यह भी याद रखिए, हमारी आबादी कितनी, हमारा क्षेत्रफल कितना है, तो हमारी समस्याएं भी, चुनौतियां हैं, और ये विरासत में मिली हैं। जैसे आपको याद होगा बिहार विशेष राज्य का दर्जा, बिहार चूँकि आपको याद होगा कि कांग्रेस के 52 के ज़माने से कैसे बिहार के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा, शुरू से 52 वगैरह से, विभाजन के बाद भी चीज़ें, विभाजन के बाद मैं कह रहा हूँ कि देश की आज़ादी के बाद बिहार एक, जिस इलाके से आप आते हैं, नदियों से संपन्न बड़ा उर्वर इलाका है, पर देश की कृषि नीति बनी तो अन्य राज्यों को जो वहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ, जो वहाँ विकास की प्राथमिकता मिली, बिहार को नहीं मिली।
अगर मिला होता तो बिहार कृषि प्रधान बहुत आगे गया होता। फिर बिहार जब अविभाजित था तो जितने रिसोर्सेज हैं आपके देखिए जो साउथ बिहार में थे, फ्रिटिकुलाइजेशन हुआ, यानी कोयला जो वहाँ निकाल करके अगर जो लोग वहाँ से खरीद करके बाहर ले जाते हैं मुंबई बाकी जगहों पर किसी इलाके में, वो भी उसी रेट पर मिले जहाँ जो वहाँ पर मिलता है, यानी फ्रेट का कोई अलग से चार्ज न लगे, तो लोग स्वभावतः बाहर उद्योग खोलेंगे। अगर ये नहीं लागू होता तो बिहार में खुलता उद्योग धंधे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन भी बिहार के साथ रहा, और बिहार में एक बड़े समाजवादी नेता हुए सचिदानंद सिन्हा, उन्होंने 60s में किताब लिखी उस शासन के दौरान फ्रेट इक्वलाइजेशन का, यानी नहीं सॉरी इंटरनल कॉलोनी, बिहार इंटरनल कॉलोनी ऑफ इंडिया, यानी कैसे भारत को इंटरनल कॉलोनी बना लिया गया था, वो आप देखें। तो बिहार का एक लंबा इतिहास रहा है जो बिहार के साथ एक अनुरोध भी होगा सर, आप पेशे से पत्रकार भी रहे हैं, बहुत लंबा समय रहा है आपका पत्रकारिता में, एक कोई पुस्तक, क्योंकि आप पढ़ते भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत किताबें आपने पढ़ी हैं, अभी मैंने आपका व्याख्यान सुना, लगातार किताबों पे ही आपने बात की, ऐसी किताबों के नाम लिए जो हम लोगों ने सुने नहीं या बहुत पहले सुने हैं, तो सर कुछ यहाँ को बताइए। हम मैं एक किताब आई है एक अव्यक्त नाम के नौजवान की, मैं नौजवान ही कहूँ, मुझसे मिला नहीं हूँ, अब मुश्किल से 225 रुपए की है, भारत सुख, वो हिमालय में रहते हैं और मतलब जो व्यक्ति अपना नाम नहीं लिख रहा हो, इतनी जानकारीपूर्ण किताब है, ज़रूर आप उसको पढ़िए, वो पता आपको बता देंगे हमारे साथ के मित्र। किताब ये है, मैं आपको बताऊँ, ये भारत सुख, शांति समृद्धि और समाधान की विश्वगाथा अव्यक्त, ये पढ़िए, दुनिया के दूसरे देश किस रास्ते आगे बढ़े हैं, कितनी उन्होंने किस तरह की चुनौतियां स्वीकार की हैं जीवन में, किस रास्ते वो आगे गए। हमारे यहाँ कल्पना करते हैं कि ओवरनाइट बिना कुछ किए हम सबसे शिखर एवरेस्ट पर पहुँच जाएं। ये किताब घर घर स्कूल के बच्चों के बीच पहुँचनी चाहिए, पढ़ी जानी चाहिए, एक किस्म का इसके पक्ष में मूवमेंट चलाना चाहिए। अगर बिहार हो, आपका गाँव अररिया हो, हमारा गाँव हो, आपका गाँव हो, देश हो, तो बनाने के लिए किताब पढ़ी जानी चाहिए। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप विस्तार न्यूज़ में आए हमारे, बहुत धन्यवाद, क्या कहना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए, खूब पढ़ें, खूब पढ़ें, पढ़ने से बहुत शक्ति और ऊर्जा मिलती है। कलाम साहब हमेशा बताते थे कुछ किताबों के नाम, 5 किताब उन्होंने बताए, समय रहता तो मैं बताता, उनके नाम पढ़िए, उनको हमेशा कहते थे साथ रखना चाहिए, आप सबके लिए भी, देश के लोगों के लिए भी, दर्शकों का। सर आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत व्यस्त समय में से आपने समय निकाला है ना। तो ये थे हरिवंश जी जो राज्यसभा के उपसभापति हैं, और अगली दफ़ा किसी और हस्ती से आपकी मुलाकात करवाएंगे, तब तक गेस्ट इन न्यूज़ में के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।